कल से अच्छी वाली धूप लगी हुई है। हालांकि आसमान में थोड़े थोड़े बादल भी है, लेकिन धूप ही अच्छी वाली लगी है। और पहाड़ों में ये धूप 2-4 दिन के बाद देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि स्नोफॉल हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। और सुबह सुबह हैप्पी राज और हैप्पी के साथ स्नूपी। तो ये हमारा गाँव और यहाँ से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और पार्ट 2 की शूटिंग हमारी पूरी हो चुकी है फाइनली। मैंने वो अब एडिट करनी है और फिर अपलोड करनी है। लगभग 2 दिन लगेंगे उसे अपलोड होने में, क्योंकि मैं गाँव में हूँ तो गाँव में नेटवर्क बहुत स्लो होता है और वीडियो काफ़ी लंबी बनी है जिसे अपलोड करने में टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैंने हाथ मुंह धुल लिए हैं और अब बारी है नाश्ते की। तो जैसा कि धूप लगी हुई है तो मैं बाहर पे ही नाश्ता करूँगा। और ये दादी, मेरी दादी जी। मेरा ब्लॉग हमेशा इसी नज़ारे के साथ शुरू होता है। कल परसों में मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। और ब्लॉग तो आपके लिए डेली आ ही रहे हैं, तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स और वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहे हैं। और वीडियो को लाइक करिए और जो चैनल पे नए रहते हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ मेरे वीडियो की लिंक ज़रूर साझा कीजिए, ताकि उन्हें भी ये अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। तो अभी दिन के खाने के लिए तैयारी हो रही है। मम्मी सिलबट्टे पे गहत को पीस रही है, गहत की दाल। और इसे पीस के हम फाणो बनाएंगे। फाणो एक प्रसिद्ध डिश है पहाड़ों की, जो हमेशा ठंडियों में बनाई जाती है। जैसा ठंडा मौसम होता है तो फाणो का साग बनाया जाता है। तो इसके लिए मम्मी गहत को बारीक पीस रही है सिलबट्टे के ऊपर। और ये पहाड़ी मिक्सर है जो कि इस फाणो को बारीक करेगा। ये मम्मी पीस रही है इसे बारीक। तो अभी मैं अपने गांव से दूर आ गया हूं और मैं सिंगोड़ गांव जा रहा हूं अपने दोस्त हरदीप से मिलने। और इस साइड हमारे गेहूं वाले खेत हैं और आप देख सकते हैं सरसों पे फूल लग चुके हैं और कुछ समय बाद ये पक भी जाएगा। तो इस वाली हार में हमारी सारी गेहूं है और गांव की उधर साइड वाले में हम धान बोएंगे। और वहाँ पे कितना अच्छा व्यू आ रहा है गांव का, और वो बादल ऊपर से सफ़ेद और नीले आसमान में गांव का व्यू थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो अभी मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि लंबा समय हो गया है मुझे उससे मिले हुए। और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मतलब कुछ टाइम से अगर मैं उससे ना मिलूँ तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं स्पेशली हर बार उसके घर जाता हूँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि आजकल वो घर में ही है तो मुझे जाना पड़ता है। ये है सिंगोट गाँव का व्यू हरदीप के घर से। तो ये है मेरा दोस्त हरदीप, और फाइनली मैं इसके घर पे पहुंच गया हूँ। और अभी हम धूप का आनंद ले रहे हैं, थोड़ी देर में हम माल्टा खाएंगे। भूत बन गए घर में। हाय हेलो घर। तो बहुत दिनों बाद मैं इससे मिल रहा हूँ और यहाँ से इसके गाँव का व्यू कुछ ऐसा। ये रहा, बहुत बड़ा गाँव है हमारे गाँव से। और हरदीप अभी माल्टे निकाल रहे हैं, और इसने वो माल्टे इस रेत के नीचे दबा रखे हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ये देखो, मेहनत का नसीब है इनकी। ऐसे लगा क्या चाहे तक नीचे दबाए हैं, क्या नहीं तक नीचे दबाए हैं, ये बाप पता नहीं कहाँ इसे उन्होंने मिला आज। और अभी हरदीप कर रहा है खजाने की खोज। और ये 10,000, 1,00,000। कई दिनों के बाद धूप लगी है, तो इस धूप में हम माल्टे का आनंद ले रहे हैं। ये हरदीप के घर पे, और ढंग से छिलो। अभी मैं हरदीप के घर से आ गया हूँ, और अभी हम यहाँ हमारे जूनियर हाई स्कूल में आए हैं और इसी स्कूल से हम पढ़े हैं। हरदीप तो नहीं पढ़ा यहाँ से। और यहाँ पर एक ये पुष्प, नाग पुष्प की तरह कौन सा पुष्प है भले? ये देखो, और इस साइड है हमारा गांव और इस साइड है हरदीप का गांव। और फिर से बारिश होने की संभावना हो रही है। फिलहाल यहां से मैं अपने घर जाऊंगा और हरदीप अपने घर, यहां तक मुझे छोड़ने आया था। तो थोड़ा हम यहां नेट चलाने के लिए आए और अपने पुराने स्कूल में भी आए कब से, तो चलें। और कल हम बाजार जाएंगे साथ में, मैं और हरदीप। सामने का व्यू भी अच्छा है, तो चलते हैं फिलहाल। तो आज हम दिन का खाना 4 बजे खा रहे हैं, क्योंकि मम्मी जस्ट अभी अभी घास लेने से आई है
और खाना मैंने बनाया तो ये है फाणू, जो दाल मम्मी ने सुबह पीसी थी गहत की दाल, उसका बनता है फाणू और काफ़ी टेस्टी होता है। मम्मा नहीं खाना मटर। हाँ तो ये देखो जैसे खाने की बारी आते हैं वैसे सीरो अंदर देखने लगता है, तो पहले हम खाएंगे फिर सीरो को देंगे। तो मम्मी को अभी भयंकर ही भूख लगी हुई है क्योंकि मम्मी जस्ट जंगल से आई है घास ला, तो मम्मी जस्ट जंगल से आई एक भारी भरकम बोझ लेके, तो मम्मी खा रही है, मैं अभी खाता हूँ फिलहाल पहले। तो मेरा रात का खाना भी हो गया, रात का खाना मैं इसिका के घर में खा के आया, बड़ी वाले इसिका। और आजकल मैं ब्लॉग को प्रॉपर एंड नहीं कर रहा था, प्रॉपर तरीके से उसकी एंडिंग नहीं कर रहा था क्योंकि आजकल मैं वो वीडियो बनाने में काफ़ी बिजी था। और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा है और ज़ुकाम भी मुझे लग गया, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा पता नहीं कैसे, आजकल बारिश हुई तो उस वजह से मौसम चेंज हुआ होगा। तो मैंने रिंग लाइट लगाई हुई है और आप मेरी आंखें देख सकते हैं किस तरह से, मतलब इनमें पानी पानी सा हो गया, बुखार सा हो रहा है मुझे। और कल मैं मार्केट जाऊंगा तो दवाई लेके आऊंगा। तो आज मैं ब्लॉग को प्रॉपर तरीके से एंड कर रहा हूँ, होप आपको ब्लॉग और वीडियो दोनों पसंद आते होंगे। तो तो होप आपको ब्लॉग और वीडियो दोनों पसंद आते होंगे। तो वीडियो पे तो आपका काफ़ी अच्छा प्यार रहा है, ऐसा इतना प्यार मेरी किसी भी वीडियो पे नहीं दिखाया आपने जितना इस वाली वीडियो पे दिखाया, मतलब एकदम मस्त सा व्यू उस पर आ रहे हैं अभी तक, अच्छा व्यू अच्छा रिस्पांस आप लोगों का आ रहा है। तो जल्दी आपके लिए पार्ट टू आने वाला है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, सोने का टाइम हो गया है, सोने से पहले मैं एडिटिंग करूँगा और एडिटिंग से पहले मैं चाय पी रहा हूँ ताकि गले की खराश ख़त्म हो जाए क्योंकि मुझे बुखार आ रहा है और कल मैं मार्केट भी जा रहा हूँ, वो मेरा मार्केट का सारा काम जल्दी से निपट जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और लाइक कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि आपके लिए मेरे अच्छे से वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहिए। मिलते हैं तब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।